गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रेस क्लब का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर अरुण वर्मा, महासचिव पद पर योगेश कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर राशिद अली, उपाध्यक्ष पद पर हरभजन सिंह निर्वाचित हुए। इस दौरान उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर उपस्थित निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ पत्रकार ब्रह्मपाल सिंह, राकेश शर्मा, आयुब खान, चंद्रशेखर त्यागी, अनिल वशिष्ठ का चुनाव संपन्न कराने को लेकर विशेष आभार व्यक्त किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मोदीनगर डॉक्टर मंजू सिवाच व विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कि मैं इसका तमाम उम्र आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा और मैं नहीं रहूंगा और जो भी होता है ना वो दिन रात मेहनत करके अपना लिख चुका होता है। तो मैं जिस लाइन में पहले बोल रहे कि मैं आपके सबक साथ जुड़ के पढ़ा करता हूँ, आपके साथ जुड़ा करता। और दूसरी एक जो पहले फूल में आप लोगों से कल बात हुई थी उस पर आप हमेशा अमल रहेगा। और मेरे बड़े भाई श्री भारत अरोड़ा जी, उसके जिसके लाल किले के बारे में बात हुई थी, यहाँ कोई छोटा होटल है, मेरे बड़े भाई का ही है, आप भी उसमें उपस्थित हैं और आपका अपना ही है। जब आप लोग डिसाइड कर ले, जब भी डिसाइड कर ले, आप अपनी सुविधानुसार अगले रविवार को देखो सब सैंपल है किसी को कोई जब मर्जी हो एक प्रतिनिधि मंडल बना लेंगे, उनको एक मत होकर के वेट दे दीजिएगा और ये डिसाइड कर लीजिएगा कि नैनीताल चल रहे हैं, मसूरी जाना है या मसूरी झाल पे जाना है या बुरा यहाँ से विद फैमिली अगर चलेंगे तो प्रत्येक परिवार जाएगा, ये नहीं कि मेरी फैमिली जा रही है इसकी नहीं जा रही, सब चलेंगे। और अगर आपको सिंगल पर्सन जाना है तो सिंगल पर्सन का ही बना लीजिएगा, नैनीताल चलो, मसूरी चलो, देहरादून जहां मर्जी हो, आप मुझे बता देना मेरे प्रतिनिधि मंडल को, डेट डिसाइड कर लेना। उस दिन दो बसें हो, दो बस लायक हो या एक बस लायक, बस खड़ी मिलेगी आपको अमर उजाला के ऑफिस के ठीक। आपके आने जाने का, खाने पीने का, रहने सहने का सारा खर्चा अरुण वर्मा जब मर्जी हो एक प्रतिनिधि मंडल बना लेंगे, उनको एक मत होकर के वेट दे दीजिएगा और ये डिसाइड कर लीजिएगा कि नैनीताल चल रहे हैं, मसूरी जाना है या मसूरी झाल पे जाना है या बुरा यहां से विद फैमिली अगर चलेंगे तो प्रत्येक परिवार जाएगा, ये नहीं कि मेरी फैमिली जा रही है इसकी नहीं जा रही, सब चलेंगे। और अगर आपको सिंगल पर्सन जाना है तो सिंगल पर्सन का ही बना लीजिएगा, नैनीताल चलो, मसूरी चलो, देहरादून जहां मर्जी हो, आप मुझे बता देना मेरे प्रतिनिधि मंडल को, डेट डिसाइड कर लेना। उस दिन दो बसें हो, दो बस लायक हो या एक बस लायक, बस खड़ी मिलेगी आपको अमर उजाला के ऑफिस के बाहर ठीक। आपके आने जाने का, खाने पीने का, रहने सहने का सारा खर्चा अरुण वर्मा ठीक। समय कम है तो दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं उन पर अमल करूंगा और बोला कभी कभी कटु भी हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद मैं अपने मन में बिल्कुल नहीं रखती कि ये लड़ा ये लड़ा ये लड़ा नहीं। अब हम चुनते हैं तो हम सारी जनता के प्रतिनिधि हैं और हमें उनका काम करना है। मैं बिल्कुल किसी फंडे में काम करती हूँ, मेरे ऑफिस में कभी ये नहीं पूछा जाता है कौन था इसने हमें सपोर्ट करा नहीं करा, जो साइन करने का काम है, जो उनका वाजिब काम है, बराबर हम लोग काम करते हैं और ऐसा ही मुझे लगता है करना चाहिए।
और बड़ी खुशी की बात है कि मोदीनगर छोटा सा टाउन है, पक्ष में पक्ष वाले बड़े मजे में काम करते हैं। मुझे राम किशोर जी बहुत सारे टिप्स देते चला पाए और और वो लोग घर वाले पूरे शहरी हैं, तो हमारी कल्चर एक सी रहती है, तो पत्रकारिता भी लगभग हमारी एक सी है और पत्रकारों का बहुत रोल है भाई। मैं तो खुद ये मतलब देखती हूँ कि बहुत सारी चीजें पत्रकारिता एंड जुडिशरी ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो क्या नहीं कर सकते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की इमेज खराब होनी है तो वो भी हो जाती है, और किसी एवरेज व्यक्ति को अपग्रेड करना है तो वो भी हो जाता है, क्योंकि हम सब अखबार पढ़ते हैं, अखबार की बातों को अक्षर अक्षर हम मान के चलते हैं। अभी एक दिन आया था कि वो निधि तुम्हारी रह गई थी, मैंने कहा भैया पत्रकारों ने तो वहां देखा था ना कि कितनी खर्च हो गई, जो मेरे कागज पड़े थे वो कई करोड़ के थे। नहीं मिला तो वो भगवान की मर्जी से, सभी जो सेकंड आया उनको और हमसे अच्छा भगवान सोचता है कि हमारे लिए कुछ और अच्छा रहता है। तो जो पुराना वाला इलेक्शन था वो भगवान ने वाला वहां नहीं आकर हुआ है, मैंने बहुत चीजें की अपने कामों में, है ना। तो वहां का इलेक्शन अगर हम लूज करें तो कोई बात नहीं, यहाँ आप प्रथम आए और बड़े लग से, कहीं ना कहीं कोई कर्म आपका आगे निकल गया उनसे। और अगली बार हो सकता है उनके लिए कुछ और बढ़िया, क्योंकि आपसे पहले मैं संजीव को जानती हूँ, जब मैं डॉक्टर थी मतलब पॉलिटिकल नहीं थी। संजीव हमारे पड़ोसी हैं, देवेंद्रपुर में रहते हैं। देखिए इलेक्शन तो खैर आप ही लड़ते रहते हैं ऐसी। आज तो सुमित जी ने मैंने देखा जिस तरह से चुनाव किया, बिल्कुल बैलेट पेपर कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई पर्ची गलत हो जाए, बिल्कुल इतना अच्छा चुनाव कराया उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और चुने गए जो मेरा अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी और महामंत्री पर जो बने हैं हमारे कोष अध्यक्ष जी सभी मेरे भाई, मेरे घर से कोई भाई ऐसा परिचय नहीं है जो मुझे न जानता। मेरा आपसे निवेदन है जो आपने मुझसे मांग रखी है, मैं आपके बीच में कोई पुराना नहीं हूँ, आपके बीच का हूँ, निश्चित ही इस समस्या का हल बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन उसमें आपसे विचार करें, आपसे सलाह लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे अभी अपने मन में क्या लिया है ऐसा संबल रखना नहीं आने के वाले, मैंने आपको प्रेस क्लब को दिया फिर इधर कुछ करने गई कि हमारा दे दो दूसरा दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे घर से एक में ही सब सम्मिलित हो जाए तो रहेगा, फिर शहर को इतने कहाँ से दे तो मैं चाहूँगा कि सारे एक एक अपना लेटर दे दें, 100 लेटर हो जाएंगे मेरे पास, मैं यू साहब का दबाव बनाऊंगा अपने सभा और एक उसको दिखा के प्रस्ताव पास करेंगे उसमें ही करा दूंगा जिसमें आपका है, अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा उसको छोटा कर देगा। किराया आपको मिल गया हम दे लेंगे, अगर नगर पालिका नौ उसके बाद से हम फिर बहुत शुक्रिया देवेंद्र साहब। और सभा का समापन मैं कहूँगा कि आज के यहाँ पर्यवेक्षक रूम में और आज मेरे ख्याल से कोई सा सभासद ऐसा नहीं होगा जो आप इस बात से अग्रि ना करें, अगर आपके लिए हो सकता है तो मुझे करना क्या पता, निश्चित करूंगा ये विश्वास करके। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शहर के हर सभी मोहल्ले से आते हैं, समस्या से जुड़े हुए हैं, समस्या को प्रकाशित करने से पहले एक बार हमसे जरूर सलाह लेना और अननेसेसरी एकदम उसे हाईलाइट कर देना, उस समस्या का कारण भी कहीं ना कहीं पहले हमें समझाने के लिए इस वर्ष होगी इसको हल करें, क्योंकि आप पत्रकार नहीं आप इसके शहर के चेयरमैन भी आती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं आपके साथ मिलकर, मैं चाहिए इस शहर को बहुत बढ़िया बनाने का मेरा प्रयास है, उसमें आपकी पूर्ण मदद चाहिए। और ये बड़े सवाल थे अगर आपकी समस्या आपकी हल हुई तो मैं नहीं समझता फिर कोई इतने दिल का चाय करके नहीं कर सके, मैं पूरा विश्वास दिलाऊँ तो बिल्कुल हल करेंगे, लेकिन सब ये विचार कर लूँ कि कोई इसमें ऐसा ना हो जाए कि आज दिया है कल ना रहे, चले तो चलकर है सारी सुविधाएं भी आपको देने का प्रयास करेंगे।
है मुझसे बनाइए, आपसे अब छोटा भाई भी हूँ बड़ा भाई भी हूँ, शहर के लिए 5 साल में इतिहास लिखने का मन है, उसमें आपकी पूरी मदद चाहिए। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।